हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं हूं गंगाधर, स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल गंगाधर फूड ब्लॉग पे। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे पनीर भुजी के साथ बटर रोटी। तो चलिए मिजा शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ओवन जलाकर मैं एक फ्राई पैन बैठा रहा हूं, और फ्राई पैन गर्म होते ही मैंने हाफ कप ऑयल, रिफाइन ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ऑयल गर्म होते ही मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रहा हूँ। जीरा होने के बाद मैं एक कप प्याज मैंने बारीक काटा था वो मैं ऐड कर दिया हूँ, और इसको मैं टच कर रहा हूँ। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का पकाना है। और हल्का पकते ही तो उसमें मैं शिमला मिर्ची, कैप्सिकम मैंने एक बुल काटा था, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। और कैप्सिकम थोड़ा मैं टच कर रहा हूँ, और कैप्सिकम थोड़ा सा होते ही मैं 5-6 मैंने ग्रीन चिली बारीक काटा था, और 2 टुकड़े अदरक बारीक चप काटा था, ये मैं ऐड करके अभी बढ़िया से मैं टच कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये करीब करीब 3 बड़ा टमाटर मैंने वो भी बारीक काटा था, वो ऐड करके मैं अभी टच कर रहा हूँ। और प्याज टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका जो कच्चापन थोड़ा वो निकल जाए बस, उतना ही तक पकाइएगा। अब देखिए मेरा मसाला लगभग अभी पक चुका है, टमाटर मेरा पक चुका है। और करीब करीब एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया था वो मैं ऐड कर दिया हूँ। 1 टीस्पून में धनिया पाउडर ये ऐड किया हूँ, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर मैंने ये भी ऐड किया हूँ। और ये सारे मसाले को बढ़िया से टॉस करना है, थोड़ा पकाना है। और कसूरी मेथी मैं लिया था 1 टीस्पून करीब, वो भी इसमें क्या पनीर का अच्छा फ्लेवर आएगा, तो कसूरी मेथी मैं 1 टीस्पून भी दिया हूँ। तो ये सारे मसाला बढ़िया से टॉस करके टच करना है, तो मसाला में भी कच्चापन ना आए। तो इसमें क्या कि नहीं तो पनीर भुजी अच्छा खुशबूदार नहीं बनेगा। तो बढ़िया से ये थोड़ा देखिए, बाकी मैं पनीर लिया हूँ 400 ग्राम, मैं करीब 300 ग्राम मैंने ग्रेट किया था, कद्दूकस किया था, बाकी 100 ग्राम में हल्का छोटा छोटा मैं काटा था। तो ये मैं ऐड करके मसाला साथ टच कर रहा हूँ, तो सारे मसाला जो है तो पनीर के साथ बढ़िया से मिला देंगे। तो पनीर में हल्का पानी होता है, वो पानी भी थोड़ा सूख जाए, थोड़ा अच्छा ड्राई पन बनाएंगे इसको। तो थोड़ा स्वाद अनुसार मैंने नमक भी ऐड किया हूँ, आपको जितना ज़रूरत है उतना नमक डालिएगा। तो मुझे मेरे स्वाद अनुसार मैं अपना नमक ऐड कर दिया हूँ, और इसको तो बढ़िया से थोड़ा गैस फ्लेम थोड़ा हाई करके बढ़िया से इसको पकाएंगे, तो ये मसाला साथ पनीर बढ़िया से मिल जाए। तो आप चाहे तो थोड़ा इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं। और देखिए पनीर हो गया, और मैं हरा धनिया लिया था बारीक चप काटा था हरा धनिया, ये मैं ऐड कर दिया हूँ। बस लगभग मेरा पनीर तैयार हो गया, और देखिए पनीर भुजी मेरा मस्त चटपट एकदम बढ़िया खुशबूदार बनकर अभी तैयार हो गया है मेरा पनीर भुजी रेडी। मैं जो पनीर का जो भुजी आज बना है ये बटर रोटी के साथ बहुत ही अच्छा बढ़िया टेस्ट लग रहा है। तो ऐसा इजीली बहुत कोई भी आप घर पर बना सकते हैं, 5 मिनट के अंदर पनीर का सब्जी भुजी तैयार हो जाएगा। तो इसको दोपहर के लंच में भी खा सकते हैं, इसमें नाश्ता में भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा डिश है, बहुत टेस्टीफुल बनता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त मेरा वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करिए भूलिएगा मत। नेक्स्ट वीडियो साथ फिर मिलते हैं, तो वंदे मातरम, जय हिंद। भुजी बहुत बढ़िया, बटर रोटी के साथ हम दिखते बहुत बढ़िया, इससे डेलीशियस क्या बोले, इतना अच्छा लग रहा ना मेरे को, स्वादिष्ट। मैंने लगता है मैम डेली बनाया था।